આવનારા દિવસોમાં ઈદે મિલાદના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવશે ત્યારે સમાજને પ્રેરણા આપતી તકરીર એટલે કે પ્રવચનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ઇસ્લામ ધર્મના સ્થાપક હજરત મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબના જન્મદિવસ ઈદે મિલાદની ઉજવણી ઉલ્લાસપૂર્વક કરવામાં આવે છે, જે નિમિત્તે અંકલેશ્વર શહેરના સેલારવાડ વિસ્તારમાં એક તકરીરનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં હજરત સૈયદ જિયાઉદ્દીન બાવા સાહેબ અને मौलाना इमामुद्दीन सईदी मिश्बाही साहब खास मेहमान तरीके उपस्थित રહ્યા હતા અને મહેફિલમાં ચાર ચાંદ લગાવી દીધા હતા। આ તકરીરમાં સમાજમાં શાંતિ અને અમનની ભાવના કાયમ રહે તે માટે ખાસ મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા और ये प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाने के लिए हम 12 रबीउल अव्वल को जश्न होता है और ये 12 दिन हम जश्न मनाते हैं, याद मनाते हैं और हमारे आका को खुश करने की कोशिश करते हैं और हमारे आका के फरमान के मुताबिक हम चलें और हम दूसरों को भी चलने की नेक तौफीक अता करें। हमारे आका का फरमान था कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक किया जाए। पड़ोसी किसी भी मज़हब का हो, किसी भी अक़ीदे का हो, किसी भी, मगर उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। और पड़ोस बताई हमारे आका ने 40 घर तक, 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 घर इधर, यानी 4 चौक 16 160 घर के पड़ोस बताई हमारे आका ने। और वो पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना, पड़ोस में चाहे हिंदू भाई रहते हो, मुस्लिम रहते हो, सिख रहते हो, ईसाई रहते हो, हर एक के साथ अच्छा सलूक करना, भूखा हो उसको खाना खिलाना, उसके साथ अच्छा हुस्न अखलाक से पेश आना और भाईचारे का माहौल को बरकरार रखने की जो तालीम हमारे आका ने 1400 साल पहले हमें दी है और वो तालीम पर हमको चलना है और हमको चलवाना है। हम आज मुबारक मौके पे, मुबारक दरबार के दहलीज पे हम खड़े हैं, अल्लाह के दरबार में खड़े हैं। अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला प्यारे आका के सदक़े व तफ़ैल में हमारे शहर में, हमारे देश में अमन, सुख, चैन, शांति और पूरे आलम में जो अफरा तफरी का माहौल है, जो दगा फटके वाला माहौल है, भाईचारी ख़त्म होती जा रही है। तो हमारे आका से गुजारिश है, मौला से गुजारिश है कि हमारी इल्तिजाए सुने और आपस में हिल मिल करके प्यार मोहब्बत से रहने की हम सबको, तमाम देशवासियों को, तमाम हिंदू मुसलमानों को नेक तौफीक अता फरमाए और उनका करम हम सब पर, पूरे देश पर, पूरे आलम पर रहे। और इस मुबारक मौके पे यही इल्तिजा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमामुद्दीन मिस्बाही सईदी आपके इस शहर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में शिरकत करने की गरज से आया। ये महफिल जो प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और विलादत के मौके से मुनक़िद की गई है, इस तरह की महफिल मनाने का मकसद ये होता है कि जो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और पूरी इंसानियत के लिए वो मोहसिन है, उनका जो पैगाम है, मैसेज है, वो दूसरों तक पहुंचाया जाए। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ इस्लाम के पैगंबर नहीं थे बल्कि पूरी इंसानियत के पैगंबर थे। ये सारे इंसानों के लिए तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कुरान के अंदर, हमने आपको पूरी कायनात के लिए भेजा, सारे लोगों के लिए भेजा। तो हमारे हुजूर की जो आमद हुई है वो सारी इंसानियत के लिए हुई और उनका जो मिशन था और उनकी ज़िंदगी में जो उनका काम था, वर्क था, वो सिर्फ़ इस बात को लेकर के था कि पूरी इंसानियत को बेदार किया जाए और जो भी नफ़रत का माहौल है उसको ख़त्म किया जाए, मोहब्बत का मैसेज दे करके इंसानों को इंसानों से जोड़ा जाए, उनके दिलों में जो दीवार है, दरार है, उसको ख़त्म किया जाए और पूरी दुनिया में अमन फैलाया जाए। तो वो दर हकीकत अमन और शांति का मैसेंजर थे वो। और इसी बात को पहुँचाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए।